हम आपसे बात कर रहे थे महाराष्ट्र के बारे में ही, तब आपने कहा था कि हो ना हो एनसीपी नहीं लेकिन शिवसेना ही बीजेपी का साथ देगी, लेकिन फिलहाल जो इस वक्त समीकरण दिखाई दे रहे हैं उनसे ऐसा बहुत मुश्किल से कहा जा सकता है। देखिए यहां तक इस वक्त समीकरण दिखाई दे रहे हैं, उन समीकरणों का ही मैं विश्लेषण करके आप तक पहुंचा रहा हूं, मगर इस वक्त कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो हो सकता है जो शिवसेना दो सीटों के ऊपर, दो कैबिनेट के ऊपर या थोड़े से में मान रही थी, वो आगे आकर इनके लिए और रोड़े खड़ी कर दें। अगर 7 तारीख से पहले पहले शिवसेना ने इनको ज्वाइन नहीं किया तो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी की अल्पमत सरकार जो है उसके लिए बहुत सी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को शिवसेना की नम्रता भरी बातें जो हैं उनको समझ लेना चाहिए। और मैं बोलता हूं कि यहां पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, यानी कल जो शपथ हुई है, कल जो मुख्यमंत्री बने हैं, कहीं ना कहीं अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो है इन दिग्गज नेताओं को हस्तक्षेप करके आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को इकट्ठे सरकार बनाने के लिए और उनको सपोर्ट कर बहुमत में लाने के लिए विवश करना चाहिए।